बेटा बुक्स वगैरह रेडी कर लो, तुम्हारे सर आते होंगे। ये कैसे लगा रहे हो बेटा? ऐसे लगाया जाता है सवाल? आओ हम तुम्हें बताएं कैसे सवाल लगाया जाता है। लो बेटा इसको हल करके रखना, रिवाइज करके हम कल आएंगे देखेंगे फिर। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रही है। सर। अर्चना बेटा बहुत अच्छा कर रही हो, हाँ? ये सवाल तुमको देके जा रहे हैं, कल आएंगे तो देखेंगे, साफ करके रखिए ना, है ना? कभी मेरी भी कोचिंग में पढ़ के देख किसको आता है कितना पसीना। मम्मी पापा से भी नहीं कह सकती क्योंकि सर मुझे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और अगर ये बात मैंने अपने मम्मी पापा से कह दिया ना तो भी पढ़ाई छुपा दूँगा। यार मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। तो तू उस हरानी को ऐसे ही झेलती रहेगी? देखते हैं क्या हो सकता है। अच्छा चल चल।
ये चाय बनाओ जरा। जी जा रहे हैं हम थोड़ा सा कमरे में, कुछ काम है। बेटा बेटा यहाँ आओ। ये लो चाय सर को नीचे दे। मैनर नाम की चीज नहीं तुम्हारे अंदर? मम्मी दीदी से तो रोज सब कहते हैं, दीदी तो कुछ नहीं बोलती है, आप क्यों उनको डांट रही हैं? क्या कह रही हो? चलिए आपको दिखाएं। छोटी से छोटी बात हो मम्मी पापा से शेयर करिए, और जिसे तुम्हारी ज़िंदगी में आने में तुमको तनाव महसूस ना हो, अच्छी हो, यही मैं चाहती हूँ। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ दीपा अग्रहरी। इसमें मेरा रोल एक बेटी का था, मतलब कि मेरी माता जी के हैं। तो इसमें मेरा मतलब कि एक कॉलेज टाइप की स्टूडेंट लड़की हूँ, और जो कि मेरे सर मुझे पढ़ाने आते हैं, बहुत ही अव्यवहारिक चरित्र मेरे ऊपर निभाते हैं। तो इसमें ऐसा ही थोड़ा सा है करेक्टर मेरा। तो बहुत जल्दी ये मूवी आपकी तरफ आने वाली है, और इसे बहुत ध्यान से देखिएगा, लाइक और शेयर करिएगा। हमारी अगर सब पार्ट ये पार्ट आपको पसंद आते तो इसकी नेक्स्ट पार्ट जरूर हम लोग बनाएंगे। कुछ ये भी बताना चाहते हैं आप लोगों के। हेलो फ्रेंड्स, मैं कशिश। इस मूवी के थ्रू एक छोटा सा मैसेज है, आप जरूर देखिए।